सत श्री अकाल पीटीसी न्यूज़ देखने वाले सारे दर्शकों का स्वागत है। मैं हाँ तुहाडे नाल कावी बब्बर ते बुलेटिन की शुरुआत करदे हां। सब तो पहला अहम खबर दे नाल, जिते पूरा देश 74वां गणराज दिवस मना रहा है तो उत्थे ही बंदी सिंघां दे हक दे विच रोस मार्च कढ़िया गया है। पंजाब दे विच मोहाली दे विच कौमी इंसाफ मोर्चे ने रोस मार्च कढ़िया है। बंदी सिंघां दी रिहाई दी मांग की जा रही है। मोहाली दे विच कौमी इंसाफ मोर्चे वालों आवाज़ बुलंद एक बार फिर तो की गई, रोस मार्च कढ़िया जा रहा है। YPS चौंक तो बुड़ैल जेल गुरद्वारा शहीदा सुहाणा हुंदा होया वापस से YPS चौंक ते ही समाप्ति करेगा। तुहानू दस दिए कि कौमी इंसाफ मोर्चे वालों बंदी सिंघां की रिहाई की मांग की जा रही है। पिछले कई दिनों तो मोहाली दे विच इस मोर्चे दे वालों धरना दिता जा रहा है, बंदी सिंघां की रिहाई की मांग की जा रही है। तो अज इत्थे पूरा का पूरा देश गणतंत्र दिवस मनाउंदा होया नजर आया, तो उत्थे ही दूसरे पासे मोहाली दे विच रोस मुजहरे की तस्वीर सामने आई ने। तस्वीर तुहानू साझा कर रहा निहंग सिंह भी इस रोस मार्च के शामिल होंदे हुए नजर आए। गणराज दिवस उत्ते बंदी सिंघां दे हक दे विच एक बार फिर तो आवाज़ बुलंद की गई है, बकायदा रोस मार्च कढ़िया गया है। मोहाली दे विच कौमी इंसाफ मोर्चे ने मार्च कढ़िया है। रुक कर लैंदे हां, रमन बने हुए ने साडे नाल। रमन, सब तो पहला तो तस्वीर देखनिया चाहवांगे। काफ़ी बिल्कुल, अज कौमी इंसाफ मोर्चा वालों जो 7 जनवरी को YPS चंडीगढ़ मोहाली हाथे मोर्चा लगाया और मंग है कि उन्हां बंदी सिंघां नूं रिहा करो जिन्होंने एक माड़े दौर दे विच पंजाब पंजाबीयत नूं बचाउण दे लई और कौम ते हो रहे अत्याचारों नसलकुशी के खिलाफ जिहड़ी हैगी वड्डी जिहड़ी हैगी जंग लड़ी सी, तां उसे नूं लै के बंदी सिंघां दी रिहाई नूं लै के अज मोहाली दे विच रोस मार्च कढ़िया जा रहा है, जिथे एक पासे पूरा देश गणतंत्र दिवस मना रहा उत्थे ही बंदी सिंघां दी रिहाई नूं लैके पूरी सिख कौम एकजुट होंदी नजर आ रही है और मंग की जा रही है कि केंद्र सरकार इस मामले दे विच जल्दी तो जल्दी फैसला लवे, क्योंकि वह बंदी सिंह जिन्हां ने अपनियां सजावां पूरियां कर लईयां ने उह हाले भी जेलां दे विच बंद रहे। बहुत बार होया कि केंद्रीय गृह मंत्री नूं मिलिया गया सिख वफद वालों, बहुत बार राष्ट्रपति नाम मंग पत्र दिते गए, बहुत बारी प्रधानमंत्री भी मिलिया गया और बहुत बारी केंद्र सरकार वालों वादे भी होए कि बंदी सिंघां नूं रिहा किया जाएगा, पर एक त्रासदी रही है। लंबे समय तो बंदी सिंह अपनियां सजावां तो दुगना समा भुगत रहे हैं, पर बंदी सिंघां दे मामले दे विच किसी भी सरकार वालों उचित जिहड़ी हैगी आ उह पैरवाई नहीं की गई। इस करके ने पंजाब दे बहुत सारे अजिहे बंदी सिंह जिहड़े हैगे ने पंजाब तो बाहरलियां जेलां दे विच भी बंद ने और मजबूर ने, और कईयां दे विच तां कोर्ट दे फैसले भी आ चुके ने कि वह मानसिक तौर पर ठीक नहीं है, उन्हां नूं जल्दी तो जल्दी रिहा करो। पर पेचीदा मामला है कि हाले तक केंद्र सरकार वालों उन्हां नूं रिहा करन बारे जिहड़े उचित कोई प्रावधान नहीं किया गया। इस नूं लैके लगातार चाहे श्रोमणी कमेटी हो चाहे तमाम पंथक जमातां हो आवाज़ उठाउंदियां रहियां ने बंदी सिंघां दी रिहाई नूं लैके। इस करके अज जो 7 जनवरी नूं कौमी इंसाफ मोर्चा के नाम से एक मोर्चा लग्या सी उन्हां वालों मोहाली का तकरीबन जिहड़ा हैगा 35 किलोमीटर एरिए दे विच एक रोस मार्च किया जा रहा है। ये रोस मार्च दीयां तस्वीरां ने वड्डी गिणती दे विच इत्थे संगत पहुंची और खास तौर पर रूट डाइवर्ट किए गए हैं, खास तौर पर जिहड़ी कि बंदी सिंघां दी अपनी वलंटियर टीमां आईयां अगे जाके किसी तरीके की कोई आवाजाई प्रभावित ना आवे, किसी नूं कोई दिक्कत ना आवे, अपने तौर पर जिहड़े कि पुलिस के नाल भी लगे हुए ने और एक रस्ता जो बकायदा तौर पर अलाट किया गया बंदी सिंघां जी जी। सो कुछ तकनीकी खराबी हो गई है तो जरूर रमन नाल एक बार फिर तो राबता कायम करने की कोशिश करांगे, पर एक बार फिर तो तुहानू दस दिए तस्वीर तुहानू नाल सांझी कर रहे हैं। कौमी इंसाफ मोर्चे दे वल्लों बंदी सिंघां दी रिहाई दी मांग कीती जा रही है। तो हाल की घड़ी जो तुहानू दस रहे हैं कि मोहाली दे विच कौमी इंसाफ मोर्चे दे वल्लों यह मार्च कढ़िया जा रहा है। जी हाँ, बंदी सिंह भी बंदी सिंघां दी रिहाई दी मांग की जा रही है। आख्या जा रहा है कि जिन्हां सिंघां दे वल्लों बंदी सिंघां दे वल्लों सिखां दी नसलकुशी खिलाफ आवाज़ बुलंद की गई, उन्हां दे विचों बहुतियां दी सज़ा पूरी भी हो चुकी है, बहुतियां खिलाफ बकायदा फरमान भी जारी कर दिए गए ने कि बहुतियां दी मानसिक हालत हुण ठीक नहीं, उन्हां नूं रिहा कर दिता जाना चाहिए, पर बावजूद इस दे अजे भी अपनी कैद कट्टण नूं मजबूर ने। तो मोर्चा खोलिया जा रहा है लगातार वख-वख थावां ते, पहलां ही मोर्चे खोले गए ने ते अज एक बार फिर तो मार्च कढ़िया जा रहा है, रोस मार्च कढ़िया जा रहा है। तुहानू साझा कर रहा मोहाली दे विच कौमी इंसाफ मोर्चे ने
मार्च कढ़िया जा रहा है। YPS चौंक तो बुड़ैल जेल गुरुद्वारा शहीदा सुहाणा तो हुंदा होया वापस ये YPS चौंक ते ही समाप्ति करेगा। कौमी इंसाफ मोर्चे वालों बंदी सिंघा की रिहाई की मांग की जा रही है पिछले कई दिनों तो मार्च कढ़िया जा रहा है। तो देखने मिल रहा है संकेतक तौर पर किस ढंग के नाल अपने आप को खुद पैरों के जंजीरा बन के प्रदर्शन करते हुए भी इस दौरान कुछ सिंह नजर आ रहे हैं। वड्डा काफिला इत्थे नजर आ रहा है। फिलहाल ही थोड़ा रमन बहुत बहुत शुक्रिया इन्होंने तमाम तस्वीरों लई ते जानकारी दे लई भी।